इस भैंस का कमाल देखकर आप भी चौंक जाएंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस भैंस का जो खाने का नाद बोलते हैं वो कैसे बनता है। मैं आज आपको बारीकी से समझाता हूँ और देखिएगा ज़रूर। ये जो आप देख रहे हैं, इसको बांस का ये टुकड़ा है, इसको हम दो टुकड़े में कर रहे हैं, दो टुकड़े में अलग अलग करके इसको अंदर का जो गुद्दी है उसको निकाल देते हैं, ऐसे निकाल देते हैं ताकि उसमें जब घुमाएंगे तो अड़ेगा नहीं, क्योंकि जब घुमाते हैं ना गोल गोल तो उसमें अड़ जाता है। देखिए अब इसको मैंने ऐसे कर दिया, आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से गोल साइज को बना करके और सारे डंडे को ऐसे ज़मीन में हला देते हैं, और हलाने के बाद कुछ ऐसे चारों तरफ से 11 डंडे लगते हैं, और हलाने के बाद कुछ ये इस प्रकार से दिखेगा। मैं इसको फ़ोटो आपको दिखाता हूँ, इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेके। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और इसमें जो है ये डंडा है वो कुछ डेढ़ हाथ का है, हाथ से नापा हुआ है, ये डेढ़ हाथ का डंडा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, इतना बड़ा है। और इसमें ऐसे जो है ना उसका बाती जो मांस का होता है उसमें ऐसे घुमाते हैं गोल 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 घुमाने के बाद कुछ ये इस प्रकार से बनेगा। आप देख सकते हैं बस तीन बाती लगे हैं, तीन बाती को गोल गोल घुमा करके ये बनाया गया है। और इसमें हम नाद रख देते हैं, जो भैंस का दाना मैं कुछ खाने वाला होता है उसको इसमें रख देते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब चलिए आपको दिखाते हैं इस भैंस का टैलेंट कि ये किस तरीके से अजीब गरीब भैंसों में से एक है, इतनी बेहतरीन, ये देवी माँ के समान भैंस है, ये किसी को नहीं मारती है, ये किसी को कुछ नहीं करती है। आप देख सकते हैं इसको, मैं इसका सिंग पकड़ूंगा, इसके पास जाऊंगा, ये ज़रा सा भी पलक नहीं झपकाएगी और ये कुछ भी नहीं करेगी। आप देख सकते हैं मैं इसके सिंगों के ऊपर हाथ फेर रहा हूँ मुँह, लेकिन ये कुछ करने वाले नहीं है, ये बहुत ही अच्छी देवी माँ के समान भैंस है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये भैंस का आपको कैसे पसंद आई या नहीं आई ये भी आप मुझे बताइएगा। और इसके खाने की स्पीड को मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी फास्ट खाती है ये मेरी भैंस, आप देख सकते हैं कितनी फास्ट खा रही है ये भैंस और कितनी अजीब गरीब तरीक़ों से खा रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ एक आपको नया तरीका, एक नया टैलेंट आपको दिखाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।